हेलो जी, कैसे सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हमारी सॉर्टिंग टेक्निक्स की हम बात करें, सेकंड लेक्चर हम करने वाले हैं जो कि बबल सॉर्ट के ऊपर। हम समझेंगे बबल सॉर्ट क्या होता है, एक ड्राई रन करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, कोड करके देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम, स्पेस देखेंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस देखेंगे और जल्दी से टू द पॉइंट एक्सप्रेशन लेके खत्म कर देंगे। डन है? तो स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट के साथ, हमारे सॉर्टिंग टेक्निक्स के सेकंड लेक्चर के साथ। सिलेक्शन सॉर्ट जो है हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा वो। आज बबल सॉर्ट का लेक्चर है और बहुत ही छोटा सा होगा, टू द पॉइंट होगा और जो बताना चाहिए वो आपको बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? बबल सॉर्ट के बारे में। अब हमें समझना है कि भैया बबल सॉर्ट क्या होता है, पहले तो समझाओ। सॉर्टिंग में आपको बताया था, कोई भी मान लो आपको एरे दिया हुआ है जिसमें कि एलिमेंट कुछ भी रैंडम ऑर्डर में पड़े हुए हैं, तो हम सॉर्टिंग की चीज को बोला करते थे। हम क्या बोलते थे कि अगर सॉर्टेड एरे की बात करें तो उसमें क्या होगा कि यार अगर मैंने बोला कि इंक्रीजिंगली सॉर्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा बेसिकली, 1, 6, 7, 9। तो अगर मैं इस डायरेक्शन जाऊँ तो एलिमेंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हम सॉर्टेड एरे बोल देते थे। इंक्रीजिंग एरे भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, समझ गए? तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है, सॉर्टिंग ये चीज़ होती है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। अब हम बात कर रहे हैं बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट होता क्या है दोस्त? तो हम सबसे पहले एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बोलते हैं बबल सॉर्ट तो उसमें होता क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है, आपको मैं एक एरे बना के देता हूँ, तो इसके अंदर एलिमेंट्स, तो क्या एलिमेंट पड़े हैं इसके अंदर? इसके अंदर मैंने बोला 10, 1, 7, 6, 14 और यहाँ पे हम एक और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इस चीज़ को। हमने बोला कि यहाँ पे एक और एलिमेंट पड़ा हुआ है जिसका नाम हमने रख दिया, क्या नाम होगा इसका, हमने बोल दिया कि 9 है। इस प्रकार का हमने इसको रख लिया और हमने बोला कि यार इस एरे को बबल सॉर्ट का यूज़ करके मुझे एक बार सॉर्ट करके दिखाओ। आपने बोला ठीक है भैया, हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट बार देखा था, मल्टीपल राउंड्स होते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, है ना, हम लूप लगाते हैं, पहले इटरेशन में राउंड 1 बोल दिया, सेकंड में राउंड 2 बोल दिया, इस हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि राउंड 1 मुझे एक बार करके दिखाओ कि राउंड 1 में क्या होने वाला है, तो आपको राउंड 1 एक बार दर्शा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है, इसको बबल सॉर्ट हम कह रहे हैं बेसिकली। तो हमने क्या किया, एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, हमने बोला कि कुछ मत करो अपना, बस नेबर वाले एलिमेंट से कंपेयर कराते हो चलो। क्या मतलब है इस बात का? मैंने बोला कि यार 10 को ना एक बार 1 से कंपेयर कराओ और देखो क्या होता है। मुझे क्या दिख रहा है, 10 और 1 में 1 छोटा है तो भाई स्वैप करा दूंगा, समझ आई? तो मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, अगर ए जो है अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो भाई मैं स्वैप करवा दूंगा। इस केस में जैसे आपको दिख रहा है कि 10 जो है वो 1 से बड़ा है, तो असली पोजीशन क्या होनी चाहिए, 1, 10 होना चाहिए। अभी क्या है, अभी 10, 1 है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, समझ गए? तो हमने क्या बोला, स्वैप करा दो। हमने इसमें आगे देखते हैं दोस्त, स्वैप करा दो, ठीक है। तो अब आपका एरे किस टाइप का हो गया, अब आपका एरे हो गया 1, 10, 7, 6, 14, 9। अब हम चल रहे हैं अगली आइटरेशन। अगली आइटरेशन क्या कहती है, हमने पहले दो तो देख लिए, शुरू के दो एलिमेंट देख लिए, अब हम नेक्स्ट दो देखने लग गए। हमें देखा 10 और 7, भाई ये भी 10 जो है बड़ा आ गया, स्वैप कराना पड़ेगा। अब मेरा आंसर क्या हो गया, 1, 7, 10, 6, 14, 9, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला अगले दो एलिमेंट चेक करो, आपने इसको इससे कंपेयर किया, अरे यार फिर दोबारा बड़ा आ गया ये वाला, तो फिर स्वैप करना पड़ेगा। हमें क्या दिखा, 1, 7, 6, 10, 14, 9। मैंने बोला फिर से कंपेयर कराओ, आपने 10 को अब 14 से कंपेयर करा। ध्यान से देखते हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने शुरू के दो एलिमेंट कंपेयर कराए, शुरू के दो कराए, फिर हमने उसके आगे के दो करवाए, फिर उसके आगे के दो करवाए, फिर उसके आगे दो करवाए, इस प्रकार हम चलते जा रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ ये जो है 10 जो है 14 से छोटा है, तो यानी क्या केस बना, केस क्या बना, अगर ए लेस देन बी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 10 जो है वो 14 से छोटा है, तो कुछ नहीं करना है, इग्नोर मार दो, दो रूल हमने लिख लिया अभी तक यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ नहीं, इग्नोर कर दिया। अब हम जाएंगे अगले वाली स्टेट पे, अगली स्टेट क्या कहती है, 1, 7, 6, 10, 14 और 9। हमने क्या किया, हमने ये वाले दो एलिमेंट कंपेयर कर लिए कि यार इनको कंपेयर करना है एक बार, ओहो ये तो पहली वाली कंडीशन में लाई करता है, इसका मतलब स्वैप कर दो। तो अब हमारा जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, 1, 7, 6, 10, 9, 14। अब अगर ध्यान से देखूं तो हमारा एरे जो है राउंड 1 क्लियर कर चुका है, हमारा राउंड 1 जो है वो डन हो चुका है। भैया हुआ क्या है, तो सॉर्ट नहीं हुआ ना, अभी देखो 7 से 6 से पहले आ रहा है यहाँ पे, तो सॉर्ट तो हुआ ही नहीं है, हुआ क्या? तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जोन से आपका राउंड चल रहा होगा ना, उस हिसाब से आपका लार्जेस्ट एलिमेंट प्लेस होता जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, जैसे कि अभी क्या हुआ, अभी राउंड नंबर 1 चल रहा था, तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, ध्यान समझते हैं, अभी राउंड 1 चल रहा था तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपका उसकी सही पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपका राउंड 1 चल रहा है तो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट जो है, मतलब जो भी राउंड का नंबर होगा,
फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट आपका उसकी राइट प्लेस पे आ जाएगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इस पूरे एरे का क्या है, 14 जो है अपनी सही जगह पर आ चुका है। समझ आई? तो हर राउंड के हिसाब से आपकी प्लेसेस भरती जाएंगी। पहले राउंड में इस जगह पर से एलिमेंट आ जाएगा, दूसरे राउंड में इस जगह पर से एलिमेंट आ जाएगा, तीसरे राउंड में इस जगह पर से एलिमेंट आ जाएगा, चौथे राउंड में इस जगह पर से एलिमेंट आ जाएगा, पांचवें राउंड में इस जगह पर से एलिमेंट आ जाएगा। अब ये पांच अगर सही जगह पे आ चुके हैं तो कॉमन सेंस की बात है, ये अपने आप अपनी सही जगह पे होगा। तो इसका मतलब टोटल एन माइनस वन राउंड होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे टोटल छह एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड कितने होने वाले हैं? पहला राउंड इसके लिए, दूसरा राउंड इसके लिए, तीसरा राउंड इसके लिए, चौथा राउंड इसके लिए, पांच राउंड इसके लिए, छठे की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है एलिमेंट वो पहले अपनी सही जगह पड़ा हुआ, हमें करने की नीड नहीं है। तो हमें क्या दिख गया कि यार हमें टोटल एन माइनस वन राउंड चलाने हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम इसको ना सेकंड राउंड पे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1, 7, 6, 10, 9, 40। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग निंजास के बारे में। इस फ्री डीएसए कोर्स को आप तक पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंक जो है कोडिंग निंजास ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट ओएस डीबीएमएस वगैरह पढ़ लूँ मैं यार, डीएसए कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर वन ऑन वन डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक से दो घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं। आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो आपको एरे बना पड़ा है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि यार मेरे को ना इस एलिमेंट को देखने की नीड नहीं है। क्यों नहीं देखने की नीड? क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम इसको अभी देख के आए ना पीछे कि हमने ये वाला एलिमेंट सही जगह पर प्लेस कर ही दिया है, तो हमें कुछ करने की नीड नहीं है। तो हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ इतने एरे के बारे में सोचना है। ठीक है, दोबारा सेम एल्गोरिथम चलानी आ रहा है। हमने क्या बोला? कुछ मत कर दोस्त, इसको और इसको कंपेयर कर पहले। तो देख, 1 < 7 है, सही जगह पे, इग्नोर कर दे। अब आप कह रहे क्या हो गया? 1, 1, 7, 6, 10, 9। इसको मैं भी नहीं लिख रहा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। अब मैंने क्या बोला? इसको और इसको कंपेयर कर। हमें दिख गया कि भाई ये अब 7 जो है 6 से बड़ा है, स्वैप कर दे। हमारा एरे क्या हो गया? 1, 6, 7, 10, 9। अब मैंने इसको और इसको कंपेयर किया, सही है, छोटा है, ए लेस देन बी है, इग्नोर कर दे। मैंने आगे लिखा 1, 6, 7, 10, 9। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया। मुझे दिख रहा भाई ए जो है वो बड़ा है बी से, तो मुझे यहाँ पे स्वैप करना है। डन है। तो मैंने क्या करा? अब मेरी स्टेट क्या हो गई? 1, 6, 7 और 9 और 10। तो इस प्रकार ही मेरा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ मेरा राउंड 2 जो है, ये मेरा राउंड 2 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या हुआ है? इसमें जो मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है पूरे एरे का, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अगर मैं देखूँ तो इस पूरे एरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? पहला लार्जेस्ट है 14, सेकंड लार्जेस्ट है 10। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 10 अपनी सही जगह पर आ चुका है, 10 अपनी सही जगह पर आ चुका है। अब मैं 14 उतार देता हूँ ताकि आपको देखने समझने में आसानी हो। 14, 14, 14, 14, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यार 10 और 14 दोनों के दोनों जो हैं अपनी सही जगह पर आ चुके हैं। तो इतना पार्ट जो है वो सॉर्टेड हो चुका है। तो राउंड 2 ने क्या किया? राउंड 2 ने सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को जो कि 10 है उसकी सही जगह पर प्लेस कर दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इस बात को मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो चुका है। अब मैंने क्या किया? राउंड 3 चलाया। मैंने बोला राउंड 3 चलाओ यार। ठीक है, राउंड 3 के लिए मैंने एक बार एलिमेंट उतार लिए। एलिमेंट क्या है? 1, 6, 7, 9 और ये दोनों सॉर्टेड हैं, 10 और 14। मैंने यहाँ पे बैरियर लगा रखा है यार इनको मत ही देखियो, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इनको देख के क्या ही फायदा होगा। तो बस जो है इतने एरे के बारे में सोच, इतना सोच लेगा बहुत है तेरे लिए। ठीक है भाई, शुरुआत वहीं से जासम करते आ रहे हैं। इन दोनों को चेक कर, 1 < 6 है, इग्नोर मार दे दोस्त, इग्नोर मार दे, कुछ मत कर। अगली स्टेट लिख 1, 6, 7, 9। इन दोनों को चेक कर, a < b है, फिर दोबारा इग्नोर कर दे दोस्त। फिर दोबारा अगली स्टेट लिख 1, 6, 7, 9, चेक कर दोनों को, फिर से a < b है, कुछ मत कर, इग्नोर कर। ठीक है, तो मेरी स्टेट क्या हो गई? 1, 6, 7 और 9। और ऊपर से मैंने दोबारा वो चीज़ें उतार ली यार, 10, 14, 10, 14, 10, 14। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखें तो मेरा राउंड जो है वो 3 भी डन हो चुका है। और अब मेरा क्या हुआ है?
अब मेरा जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है, थर्ड राउंड है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा इस पूरे एरे का, ध्यान से कम देखे, पूरा एरे ये है, फर्स्ट लार्जेस्ट 14, सेकंड लार्जेस्ट 10, थर्ड लार्जेस्ट 9, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो 9 जो है अपनी सही प्लेस पे आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, इसको भी ग्रीन में मार्क कर देता हूँ एक बार, ठीक है, तो मेरा इतना पार्ट सॉर्ट हो चुका है, बढ़िया। अब मैंने बोला राउंड 4 में चलते हैं, मैंने बोला राउंड 4 में चलते हैं, राउंड 4 अपना एरे लिख लो एक बार, क्या है 1 6 7 और 9 10 14, 1 6 7 और ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड, 9 10 14, मैंने बोला ये यहाँ तक चेक कर लो बस, है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट चेक कर लो, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ही, इसमें क्या ही देखोगे तुम, ठीक है। आपने बोला ठीक है भैया सिंपल है, कर लेते हैं। आपने बोला 1 और 6 को कंपेयर करता हूँ, ये तो 1 less than 6 है, इग्नोर कर कुछ नहीं करना, सीट क्या आई 1 6 7, आपने बोला 6 7 कंपेयर करता हूँ, फिर दोबारा 11 भी है, इग्नोर कर कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपकी सीट क्या आ गई 1 6 7, मैंने ये सारे उतार लिए, 9 10 14 9 10 14, आपका राउंड नंबर क्या था, राउंड नंबर 4 था, यानी फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे देखो फोर्थ लार्जेस्ट क्या है, फर्स्ट है 14, सेकंड है 10, थर्ड है 9 और यहाँ पे क्या आएगा 7, तो आपका 7 जो है वो सही जगह पर आ चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार आपका एरे जो है, एरे का फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट जो है अपनी सही जगह पर आ चुका है, तो मैं इसको हटा के ग्रीन से मार्क कर देता हूँ कि यार मेरा ये वाला पार्ट अब शॉर्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि दोस्त कुछ मत कर, राउंड 5 पे चल, राउंड 5 चल, एलिमेंट क्या, कंटेंट क्या है 1 6 और बाकी जी तो शॉर्ट हुई पड़ी है 7 9 10 14, ये मेरा बैरियर है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, इसको मत देखियो तू, बस ये वाला पार्ट प्रोसेस कर दे, इसको चेक कर ले बस, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है भाई इतना ही देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला इन दोनों को चेक करता हूँ, 1 less than 6 है, तो भाई साहब कुछ नहीं करना, इग्नोर करना, तो स्टेट क्या आ गई 1 और 6, खत्म, एक कंपेरिजन था बाकी तो कुछ बचा नहीं कंपेरिजन करने के लिए। तो मुझे क्या पता लगा, चलो मैं इसको उतार लेता हूँ एक बार, 7 9 10 14, कि यार जो फिफ्थ लार्जेस्ट है, अगर मैं ध्यान से देखूँ इस पूरे एरे में जाके, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट क्या होगा 6 6, अपनी सही प्लेस पे आ चुका है यहाँ पर अब। तो मैं क्या कहता हूँ कि फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि 6 है वो अपनी राइट प्लेस पे आ चुका है, तो इसका मतलब भैया राउंड 5 के हिसाब से प्रोसेसिंग डन हो चुकी है। मैं 6 को यहाँ से हटा के बोल देता हूँ कि यार ये ना अब यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 6, राउंड कितने हो चुके हैं 5, दैट इज -1 राउंड, तो इसका मतलब है कि मेरा पूरा एरे सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट बचा होगा वो ऑलरेडी अपनी सही जगह पर होगा। अगर ये 5 एलिमेंट, अगर ये 5 एलिमेंट अपनी अपनी सही जगह पर हैं, तो कॉमन सेंस और बिल्कुल ऑब्वियस थिंग है कि जो लास्ट एलिमेंट हमारा है वो अपनी सही जगह पर पहुंच चुका होगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए एक ही जगह बची हुई ये वाली, तो ये इसकी राइट प्लेस है। तो मैंने क्या बोला, एंटायर एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है, एंटायर एरे इज सॉर्टेड नाउ, इस प्रकार मैंने ये चीज कह दी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है हमें कुछ भी नहीं करना, हमारे पास एक एरे दिया होगा, एक प्रकार का एरे दिया होगा, हम क्या कर रहे हैं बस उसके अंदर आजू बाजू वालों को कंपेयर करा रहे हैं, अगर लेफ्ट वाला, अगर ए लेस देन बी है तो इग्नोर कर रहे हैं, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो स्वैप कर रहे हैं, इतनी चीज हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको लॉजिक तो समझ में आ गया किस प्रकार है, एक बार हम आपको कोड करके दिखा दें ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, और शुरू करते हैं एक बार कोड को, ठीक है। चलो आपके सामने क्वेश्चन है यार, यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इसमें वही सेम चीजें चल रही है जो हमने अभी देखा, और आपको क्या समझ में आ गया, आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार इसका यूज केस क्या है। अगर मैं बोलूँ कि यार, अगर मैं बोलूँ कि यार बबल सॉर्ट से हो क्या रहा है, तो आप कह सकते हो यार बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट के हर nth राउंड में, हर ith राउंड में आप क्या करते हो, ith लार्जेस्ट एलिमेंट को उसके राइट प्लेस पे पहुंचा देते हो, समझ आई ये चीज हमें। हमने क्या बोला, हम आइथ राउंड में आइथ लार्जेस्ट एलिमेंट को उसके राइट प्लेस पर पहुंचा देते हैं, ये इसका यूज केस हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब मैंने बोला कि मुझे ना इसको कोड करना है दोस्त, तो बहुत बढ़िया, हमने क्या बोला, बड़ा सिंपल है यार, हमें क्या बोला, पहली चीज क्या है कि हम ना राउंड चला रहे हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, इसे करके चला रहे हैं, और उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग हो रही है। तो अगर मैं बोलूँ आपका एक लूप हो गया जो राउंड को दर्शा रहा है, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, n-1, तो मैंने अगर बोल दिया कि यार सिंपल है, आई को जो है पहला राउंड दर्शा दो, ये आपका पहला राउंड हो गया, और कितने राउंड चला रहे हैं n-1, यानी लेस देन n तक ले जाओ, और i++, ठीक है। कुछ लोग होंगे जहाँ पे आई को 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और आई लेस देन n-1 कर सकते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है, उसमें सही कोड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, हमने चला दिया 4 राउंड
वन टू एन माइनस वन, ये आपको समझ में आ गया। अब हर राउंड में कर क्या रहे हैं, इस चीज को समझते हैं। हमने हर राउंड में क्या देखा, हर राउंड में हम जाते हैं और कुछ भी नहीं, शुरू से कंपेयर करना शुरू करते हैं। पहले ये कंपेयर कर लिया, फिर 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 ये तो हम छोड़ देते हैं लास्ट एलिमेंट, इसलिए है ना, इस प्रकार हम चलते हैं। तो देखो ध्यान से एक बार, हमारे पहले एक और लूप चलाता हूँ यार, जो कि जे से स्टार्ट होगा, जे हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा जाके पहले वाले से शुरू कर देते हैं ऐसे करके, है ना। तो पहला हमेशा कंपेयर हो रहा है, हमने जीरो स्टार्ट कर दिया, खत्म कहाँ पे कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं कि हम जो है ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, इस प्रकार चल रहे हैं। तो हमने सारे एलिमेंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए इसमें एन लिख दिया, इसमें गलती है, आपको दिखेगी अभी आगे जाके, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, यानी जे वाले को जे प्लस वन वाले से कंपेयर करना है। बहुत बढ़िया, मैंने बोला कि इफ ए आर आर ऑफ जे, अगर ये बड़ा है, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन से अगर ये बड़ा था, तो हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते थे, ए आर आर ऑफ जे जे प्लस वन, स्वैप कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें, हमने क्या बोला कि हम लूप जो चला रहे हैं वो कहाँ तक चला रहे हैं, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, यानी हम यहाँ पूरा तक जा रहे हैं। बट मान लो जब मैं इस एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा हूँ, जब जे यहाँ पर है, तो जे प्लस वन तो दोस्त आगे कहीं चला जाएगा, यहाँ पर तो एलिमेंट एक्सटेंड करता है, एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे जे जो है वो जीरो से लेके यहाँ तक चलाना है, ताकि जब जे यहाँ पे हो तो ये जे प्लस वन हो और ये वाला कंपेरिजन हो जाए, ठीक है। तो ये वाली लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन है एन माइनस वन वाली, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको जे लेस देन एन माइनस वन कर दिया, क्या आपको ठीक है। अभी भी छोटी सी गलती है, बट ये मेरे को समझ में आ गया, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। हमने बोला कि एग्जांपल देना दोस्त, हम ऐसे एग्जांपल उठा के लेके आ गए और हमने क्या कर दिया, हम गए कंसोल पे, कस्टम टेस्ट केस पे, हमने यहाँ पर डाला, रन कर दिया, ठीक है। इसको और अच्छा किया जा सकता है, अभी दिखाएंगे आपको कैसे। हमने इसको चलाया, हमारा कोड बिल्कुल सही चल गया, बट इसमें एक गलती है अभी भी। हमने ध्यान से देखा अगर, तो हमें क्या दिख रहा था यार, कि हमारा जो टेस्ट केस शुरू में था वो था 10176149, हमारा टेस्ट के शुरू में था 10176149 और 9, ठीक है। इसमें हमने अपना जे जो था, यानी जब हम ये वाले कंपैरिजन कर रहे थे, वो कितने बार चलाए थे, है ना, जीरो से लेके ये वाला कंपैरिजन, ये आपका n माइनस वन इंडेक्स और ये आपका n माइनस टू इंडेक्स, है ना, हमें पता इस बात का। तो हमें क्या पता लगा कि दोस्त हमने यहाँ पर जे जो है वो जीरो से लेके एन माइनस लेस देन एन माइनस वन तक चलाया था, है ना, जे हमने यहाँ तक रखा था, तो जे प्लस वन यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, जे जो था वो जीरो से लेके एन लेस देन एन माइनस वन तक यहाँ पर चला है इस वाले केस में। फिर हमें क्या पता लग गया था, हमें पता लग गया था कि एक चीज़ ना शॉर्ट हो चुकी यार, हमें पता लग गया था कि यहाँ पे एट द एंड 14 आएगा और यहाँ पे कुछ पांच एलिमेंट पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ पांच एलिमेंट पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें जे का चलाना था, हमें जे इन पांच के हिसाब से चलाना था। जे हमने क्या चलाया, जे हमने जीरो से शुरू किया और हम यहाँ तक गए, ये वाला इंडेक्स क्या है, एन माइनस थ्री, और ये वाला क्या है, एन माइनस टू, ये वाला क्या है, एन माइनस वन, हम यहाँ तक गए। तो मुझे क्या दिखा, अब मैंने जे कहाँ तक चलाया, जीरो से लेके लेस देन एन माइनस टू तक। अच्छा, तो इसी प्रकार अगले राउंड में गया, मैं जीरो से लेके कहाँ तक चलाया था, लेस देन एन माइनस थ्री तक चलाया था, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि हर राउंड के साथ मेरा जे जो है ना कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि पहले राउंड में जो है आपका 14 शॉर्ट हो गया था, अगले राउंड में यहाँ पर एक नया मतलब एक मैक्सिमम एलिमेंट प्लेस हो चुका होगा, फिर इतना ही सोचना आपको, फिर क्या होगा, अगले राउंड में यहाँ पर एक नया एलिमेंट प्लेस हो जाएगा और आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस करना होगा, अगले राउंड में यहाँ पर लार्ज एलिमेंट प्लेस हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस करना होगा। तो जो आपका एरे वो छोटा होता जा रहा है, तो जे आपका स्टार्टिंग में पूरे एरे पे लगा, फिर एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया, बचे वारे पे लगा, फिर एक और एलिमेंट शॉर्ट हो गया, फिर बचे वारे पे लगा। तो आपको क्या समझ में आया कि जे जो है स्टार्टिंग में आपका लगा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां दर्शाऊं, तो आपको क्या समझ में आया कि जे जो है स्टार्टिंग में आपका लगा जीरो से लेके लेस देन एन माइनस वन तक, फिर आपका अगले राउंड में क्या लगा, लेस देन एन माइनस टू तक, अगले राउंड में क्या लगा, लेस देन एन माइनस थ्री तक। अच्छा ठीक है भैया, मैं ऐसे लिखूंगा थोड़ी, बहुत सारे लूप थोड़ी बनाऊंगा, ये तो बेकार है। तो मैंने बोला दोस्त, जैसे हमने स्टार्स वाले में एक्सप्रेशन बनाया था ना, एक्सप्रेशन का यूज करके फोर लूप चलाया था, तो वही चीज़ करनी है यहाँ पे। हमें क्या दिख रहा है कि ध्यान से देखते हैं, मैंने क्या बोला, फर्स्ट राउंड में आप गए लेस देन एन माइनस वन, ठीक है, सेकेंड राउंड में आप गए लेस देन एन माइनस टू, ठीक है, थर्ड राउंड में आप गए लेस देन एन माइनस थ्री, ठीक है, दिख गया पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया थोड़ा बहुत, आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको लेस देन एन माइनस आई कर दूंगा तो मेरी गेम तो ऑलरेडी शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको एन माइनस वन की जगह दोस्त एन माइनस आई कर दूं और फिर इसको चलाऊं, तो क्या मेरा कोड चलेगा, देखते हैं, चल गया। अब अगर मैं इसको सबमिट कर दूं तो क्या चलेगा, चल गया।
तो हमें क्या समझ में आया कि ठीक है बबल सॉर्ट रिकॉर्ड इस प्रकार लिया था, हमने पहला चलाया लूप 1 से लेके एन माइनस 1 तक, ताकि हमारा राउंड 1 से लेके एन माइनस 1 हो जाए, और फिर हमने क्या किया, हमने सारे एलिमेंट प्रोसेस कर दिए एलिमेंट टिल कहां तक, कौन से इंडेक्स तक, टिल एन माइनस आईथ इंडेक्स, ठीक है, इस प्रकार हमने प्रोसेस कर दिए एलिमेंट। तो आपको समझ में आ गया कि यार ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने लूप जो है पहला लूप जो आई है वो 1 से लेके लेस देन एन माइनस लेस देन एन तक चलाया, दोबारा लिखते हैं वहाँ पे आपको समझ में आ जाए ढंग से। तो मैंने आपको क्या बोला कि दोस्त मैंने जो मेरा आई है जो पहला लूप है वो चलाया 1 से लेके लेस देन एन तक, यानी वैल्यूज क्या हो गई 1, 2, 3 से लेके एन माइनस 1, ये वैल्यूज हो गई। तो इस केस मैंने अपना जे क्या लिया, इस केस मैंने अपना जे लिया है 0 से लेके लेस देन एन माइनस आई तक, समझ गए इस चीज़ को। अगर मान लो कि आपने क्या किया, अगर आपने मान लो आई जो है 0 से लेके एन माइनस 1 तक चलाया है इस प्रकार, तो उस केस में आपका जे जो है वो चेंज होगा, वो 0 से लेके एन माइनस आई माइनस 1 हो जाएगा। आपको ना एक बार ये चीज़ समझनी है कि ये लॉजिक कैसे बना, इसको समझ जाओगे तो आपका काम सॉर्टेड, आपको समझ में आ चुका है एन माइनस आई वाला लॉजिक, ठीक है। तो इस पर एक बार ध्यान देना, ये आपका होमवर्क हो गया, डन है। आपको समझ में आ गया कि ठीक है, मैं दो लूप चलाया, पहला राउंड हमारा राउंड्स को दर्शा रहा है कि कौन से राउंड में है, और दूसरा लूप जो है स्टार्टिंग से एलिमेंट को लेके कंपेयर कराता जा रहा है, कराता जा रहा है। अब काम चलेगा एन माइनस आई इंडेक्स तक चलेगा, समझ गया इस चीज को। तो ये था हमारा बबल सॉर्ट यार, हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक राउंड में उठा लेता हूँ कोई अच्छा सा, मैंने मान लो राउंड 2 उठा लिया 1769 10 9 14। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि यार मेरा ये वाला पार्ट ना ऑलरेडी सॉर्टेड है, जो ये पार्ट आ रहा है ये सॉर्टेड पार्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला था, हम कौन से राउंड में से पहले समझते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि जोन सा भी राउंड होगा ना, तो चलो समझते हैं पहले। अभी ये हमारा राउंड 2 है, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि आई हमने कहाँ तक चलाया 1 से लेके लेस देन एन तक चलाया। इसलिए अगर आप मान लो 0 से एन माइनस 1 तक चलाएंगे तो आपका आई 1 होने वाला है इस केस के अंदर। तो मैंने तो यहाँ तक चलाया तो मेरा आई 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने दोस्त बोला कि फॉर आई इज इक्वल टू 2 हम जे चलाने वाले हैं। जे कहाँ तक चलेगा, जे चलेगा 0 से लेके लेस देन एन माइनस आई, दैट इज 0 से लेके लेस देन एन माइनस 2। बहुत बढ़िया, इंडेक्स लिख दो 0 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 6, तो ये क्या होगा 0 से लेके 6 माइनस 2, 0 से लेके लेस देन 4 तक, ठीक है, इस प्रकार। चलो 10 9 14 इस प्रकार। तो अगर मैंने बोला आके कि दोस्त अगर आई आपका राउंड 2 है और जे आप शुरू करने वाले हो हमेशा 0 से, तो इस केस में क्या करोगे, इसको भैया इससे कंपेयर कराओगे, ये क्या आ गया ए लेस देन बी आ गया, छोटा इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर आपने बोला जे जीरो के लिए ये चल रहा है, फिर आप क्या है? आई इज इक्वल टू 2 में और जे हो गया आपका 1। जे आपका जब 1 होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि आपका एरे है 1 7 6 10 9 14, यानी कि जे अगर ये वाला पार्ट है, ये फर्स्ट इंडेक्स है ना 0 1 2 3 4 5, तो आपने इसको इससे कंपेयर कराया, ये इससे बड़ा है तो भैया स्वैप करना पड़ेगा, आपने स्वैप कर दिया। स्वैप करके क्या स्टेज आ गई कि भाई 1 6 7 10 9 14, इस प्रकार आपने लिखा कि अब आई इज इक्वल टू 2 है भैया और जे जो है वो 2 पे जा चुका है, ये है 0 1 2 3 4 5, यानी जे आपका जो है इस इंडेक्स पे, जब जे आपका इस इंडेक्स पे आपने इसको इससे कंपेयर किया, ये लेस देन आ गया तो इग्नोर कर दिया। बहुत बढ़िया, आप आगे गए, आपने लिखा 1 6 7 10 9 14, हमें पता ऑलरेडी सॉर्टेड है यार, ठीक है। आप यहाँ पर गए, आपने लिखा आई इक्वल 2 है और जे मेरा जो है अब 3 जा चुका है, यह है 0 1 2 3 4 5, यानी जे यहाँ पर है, अगर जे यहाँ पर है जे को इससे कंपेयर करा दो भाई, ये बड़ा आ गया तो भैया स्वैप करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आपका एरे क्या हो गया 1 6 7 9 10 और ये आपका 14। बहुत बढ़िया, आपने बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आई इज इक्वल टू 2 है, जे इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ, यह है 0 1 2 3 4 5। पर दोस्त हमें क्या पता था, हमें क्या पता था कि जे कहाँ तक चलना है, जे लेस देन 4 तक चलना है ना। तो अगर जे लेस देन 4 तक चलना है तो हमें ये वाले केस की नींद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जे इज इक्वल टू 4 हो गया ना, तो हमने ये वाला केस कैंसिल आउट कर दिया बस। तो इसका मतलब है कि हमारा सेकंड राउंड जो है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हमारा सेकंड लार्ज एलिमेंट जो कि 10 है वो अपने सही प्लेस पे आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया कि जो मैं ये वाली गेम खेल रहा हूँ 0 से लेस देन 4 या फिर 0 से एन माइनस आई वाली जो गेम है वो क्यों खेल रहा हूँ।
क्योंकि यार मैंने यहाँ पे आके इतना प्रोसेस करके छोड़ दिया, मैंने इसको प्रोसेस नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे पता 14 ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर एक ऐसा केस आए, अगर पीछे जाके देखूँ कि यार यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं प्रोसेसिंग कहाँ तक कर रहा था? आपको याद होगा इस केस के अंदर मैं सिर्फ यहाँ तक प्रोसेसिंग कर रहा, मैंने ये देखो यहाँ पे कंपेयर करा के छोड़ दिया। या फिर मैं इस केस की अगर बात करूँ तो यहाँ मुझे पता और स्टार्टिंग में पता कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो प्रोसेसिंग यहीं तक करूँगा। तो मैंने ये कंपेरिजन किया, ये कंपेरिजन किया, ये कंपेरिजन किया और छोड़ दिया। मैंने ये और ये नहीं किया ना, क्योंकि नीड नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो मुझे पता कैसे लग रहा है कि ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है और मुझे कंपेयर नहीं करना है? वो जो मैंने एन माइनस आई वाला लॉजिक बताया आपको, उससे पता लग रहा है। तो इसलिए हमने वहाँ पे एन माइनस आई तक लूप चला दिया। तो अब हमें लॉजिक समझ में आ चुका है, कोड हमने कर लिया, पीछे की एन माइनस आई की थ्योरी भी हमने समझ लिया। हमने बोला कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं एक बार। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला पहले कि चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। मुझे क्या दिख रहा है, एक लूप चल रहा है जिसमें राउंड्स हैं। तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड से लेके ऐसे एन माइनस वन राउंड है। पहले राउंड में आप कितने कंपैरिजन कर रहे हो, ध्यान से अगर देखो तो पहले राउंड में आप एन माइनस वन कंपैरिजन कर रहे हो। कैसे? मान लो पांच एलिमेंट है, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन, चार कंपैरिजन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ राउंड, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? पांच। तो पांच एलिमेंट के लिए आप चार कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप कितने कंपैरिजन आ गए यहाँ पे? एन माइनस वन कंपैरिजन आ गए, एन माइनस वन कंपैरिजन आ गए। अगले राउंड में आपने n माइनस टू कंपेरिजन कर दी, अगले राउंड में आपने n माइनस थ्री कंपेरिजन कर दी। ऐसे करते करते जब आप लास्ट राउंड में आ गए तो आपने एक ही कंपेरिजन किया होगा। तो अगर मेरे को इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लूँगी वो कैसे निकलेगी? एक कंपेरिजन प्लस दो कंपेरिजन प्लस तीन कंपेरिजन से लेके n माइनस टू कंपेरिजन से लेके प्लस n माइनस वन। तो ये शायद आपका ये आ जाएगा, है ना, बचपन में पढ़ा हुआ इस फॉर्मूले के बारे में। तो ये क्या हो गया आपका? बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, जहाँ पे एन है आपका साइज ऑफ एरे, यहाँ पे एन है आपका साइज ऑफ एरे। तो आपको ये समझ में आ गया कि यार ये कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार निकली है, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आ गई। अब मैं बात करता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्या कुछ वेरिएबल्स लिए हैं भाई, कुछ वेरिएबल्स लिए हैं भाई, कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस को लिया लड़के ने, सिर्फ वेरिएबल बना रखे हैं। तो ये भाई कॉन्स्टेंट स्पेस वाली गेम हो गई है, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट है, डन है। अब बात करता हूँ बेस्ट केस के बारे में और वर्स्ट केस के बारे में। उसको करने से पहले पहले मैं सोचते हैं एक बार, क्या मैं इस एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? ठीक है, ये आपका बेस्ट केस आ गया। बेस्ट केस क्या होता है कि आपका एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें कुछ करने की नीड नहीं है, सॉर्टेड ऑलरेडी। और वर्स्ट केस क्या हो गया? वो ये आपका रिवर्स सॉर्टेड मान लो। ठीक है, तो अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, मान लो कि एरे में 1 2 3 4 है, अगर मैं ऊपर एल्गोरिथम ऊपर भी डिस्कस करी है तो उसके हिसाब से ओ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? ध्यान समझते हैं एक बार। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार आपने ना एक राउंड चलाया, मान लेते हैं कि टोटल पांच राउंड चल रहे थे, आपके थर्ड राउंड में ऐसा हुआ कि आपने कंपैरिजन कर लिए और कुछ भी स्वैप नहीं हुआ। तो अगर कंपैरिजन करके कुछ भी स्वैप नहीं हो रहा है, अगर हम ध्यान से पीछे जाके देखें, मान लेते हैं कि मेरा कुछ ऐसा एरे बन गया, मान लो ए बी सी डी ई, आपने इसमें कंपैरिजन किए होंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इस प्रकार, है ना। तो इस प्रकार आपने कंपैरिजन किया, आपको दिखा कि कोई स्वैप ही नहीं हुआ, नो स्वैप्स। तो नो स्वैप, स्वैप किस केस में नहीं होंगे? इस केस में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ए लेस देन बी है। इस केस में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बी लेस देन सी है। इस केस में क्यों नहीं होंगे? सी लेस देन डी है। इस केस में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डी लेस देन ई है। तो इसका मतलब ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, इसका मतलब क्या है भाई? सॉर्ट है ये, सॉर्टेड है, पहले से कुछ करने की नीड नहीं है। तो हमें क्या समझ में आता है, कोई भी ऐसा राउंड आ जाए जहां पर आपके नंबर ऑफ स्वैप एग्जिस्ट ना करें, जीरो हो, तो भैया ब्रेक करके बाहर निकल जाओ, कुछ करने की नीड नहीं, ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अगर मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना हो कोड को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा कि यार एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, बूल स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स। मैंने स्टार्टिंग वाला कुछ स्वैप नहीं हुआ, और जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ स्वैप करता हूँ, तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने बोला स्वैप करने के बाद ना स्वैप को ट्रू मार्क कर दो दोस्त, ट्रू मार्क कर दिया। और जैसे मैं इस लूप से बाहर आता हूँ, मैंने बोला इफ स्वैप इज़ इक्वल टू ट्रू, सॉरी इफ स्वैप इज़ इक्वल टू फॉल्स, ब्रेक मार दो। बहुत बढ़िया, चला के देखें, रन करते हैं, सबमिट करते हैं, बढ़िया। तो हमें क्या दिख रहा है दोस्त, कि हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल बना दिया, इसका नाम था स्वैप्ड, कि यार कुछ स्वैप करा भी है, उसको मान लो कुछ स्वैप नहीं करा। अगर तुम अंदर जाके कुछ भी स्वैप कर दो, उसको ट्रू मार्क कर देना, और अब तुम बाहर आए, तुमने बाहर जाके चेक किया, फॉल्स है। अगर फॉल्स उसी केस में होगा, कुछ भी स्वैप नहीं होगा तब फॉल्स होगा, अगर एक बार भी स्वैप हुआ तो ट्रू होगा। तो अगर वो अभी भी फॉल्स है, यानी तुमने कुछ भी स्वैप नहीं किया, अगर तुमने कुछ भी स्वैप नहीं किया तो भैया ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर दूँ, तो ब्रेक को अंदर डालो,
इस प्रकार। तो ऑलरेडी सॉर्टेड है दोस्त, है ना। तो हमने ये ऑप्टिमाइज कर दिया भाई, ऑप्टिमाइज कर दिया हमने। अब हमारा जो सॉर्टेड वाला केस आएगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई है, लीनियर टाइम कर लिया हमने इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर की जगह। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बबल सॉर्ट की ऑफ एन कर दी, इस केस में तो ऑफ एन स्क्वायर ही रहने वाली है। तो हमने समझ लिया कि यार चलो ठीक है, एक चीज तो हमने नहीं सीख लिया। अब अगर मैं आपको बोलूंगा दोस्त होमवर्क, होमवर्क में सबसे पहली चीज आपको एन वाली एन माइनस आई वाली गेम ना समझ के आनी है। आपको क्या करना है, एक बार आपको ना आई जीरो से चलाना है लेस देन एन माइनस वन तक, और फिर जे के बारे में सोचना है जे कैसे काम करेगा, इसको ड्राई रन करके देखना है एक बार, ठीक है। सेकेंड चीज ये स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड चीज आपको पढ़ना है कि इन प्लेस सॉर्ट क्या चीज होती है, गूगल करना इन प्लेस सॉर्ट का क्या मतलब है, आपको चेक करना है कि क्या बबल सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। पढ़ के आना इस चीज के बारे में एक बार, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी और मजा आ गया यूज केस की अगर हम बात करें तो आपको पता लग गया कि यार कोई भी आईथ राउंड के अंदर, कोई भी आईथ राउंड के अंदर मैं आईथ लार्जेस्ट एलिमेंट को, आईथ लार्जेस्ट एलिमेंट को उसकी राइट प्लेस पर डाल रहा हूँ। ये आपको समझ में आ चुकी चीज। एक और होमवर्क में चीज देता हूँ यार, एक लिंक डाला होगा मैंने नीचे जीएफजी का, जहाँ पे क्या होगा एक क्विज पड़ा हुआ है। कौन सा क्विज है वो, सिलेक्शन सॉर्ट पर, इस पे बबल सॉर्ट पर ही है, ठीक है। उसको सॉल्व करके आना एक बार, डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ, ठीक है। तो ये कहते हैं ना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज कॉन्टेस्ट भी है 7:30 बजे, देख के आना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी, अगली वीडियो हमारी होगी इंसर्शन शॉर्ट के ऊपर, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बताना यार कमेंट सेक्शन में कैसा चल रहा है, और मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया पीछे वाले कवर अप करने के लिए, आगे वीडियो में टाइम मिलता रहेगा, टेंशन मत लेना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बढ़िया कंटेंट बनाएंगे, मजे से बनाएंगे, तब आएगा मजा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी, ओके 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 बाय।